अभिषेक भाई की रिक्वेस्ट पर आपको बताने वाले कुछ प्राइस हम कवर करने वाले हैं और डिफरेंशिएट बताएंगे कि P4 का स्टॉक जो डैमेज कैटेगरी स्टॉक है वो किसके लिए होने वाला है, P3 का स्टॉक किसके लिए होने वाला है, QC का स्टॉक किसके लिए होने वाला है। तो देरी ना करते मैं कुछ मॉडल्स आपको प्राइस बता देता हूँ। ये जैसे सैमसंग में है J2, ये आपको मिलने वाला है 1150 रुपये में। ये आपका है लिनोवो K8+, ये मिलने वाला है आपको 1250 रुपये में। ये डैमेज कैटेगरी के फ़ोन हो जाते हैं। ये है आपका रेडमी का 6, ये आपको ऑलमोस्ट पड़ जाएगा 1200 से 1400 की रेंज का भैया। तो बहुत ही सस्ते रेट हो गए हैं, बहुत ही सस्ता प्राइस हो गया है। रेडमी 5 है, ये होने वाला भैया आपका 1700 रुपये में। 120 पीस का एक लोड जा रहा है पार्टनर को और ये माल जा रहा है हमारा वेस्टर्न यूपी में ही जा रहा है। मैं डिटेल हटा देता हूँ जैसे भी जाना है पूरा। ये तीनों डब्बे उनके पैक है सारा, सील पैक माल आया है, सील पैक माल एज इट इज जा रहा है। अगर हम देखें तो शुरू से माल तो अच्छा निकल ही रहा है, प्राइस डाउन हो गई है तो ये आप के लिए और बेहतर है। एंड रिटेल वाले भाई हैं उनके लिए तो ऑलमोस्ट डबल से 3 गुना मार्जिन आप कमा सकते हो अगर हम बात करें सिंगल पीस पे भी। बाकी होलसेलर्स के लिए भी यहाँ पे अच्छा ऑप्शंस मिल जाने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस ऑन आवर YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग यार। साल खत्म होने से पहले एक बार फिर से आ चुके हैं भेगे पास में हाउस ऑफ डिवाइसेस नोएडा सेक्टर 63 में, जहाँ पे आपको मिल जाते हैं मोबाइल फोन्स की बहुत ही ह्यूज वैरायटी। जो भी कोई भी होलसेलर, कितना भी बड़ा होलसेलर, कितनी भी बड़ी या छोटी VRP चाहिए, वो सारी सर आपको यहाँ पे मिल जाती है। QC चेक स्टॉक आपको मिल जाता है, बॉक्सेस वाले फोन्स आपको मिल जाते हैं, विदाउट बॉक्सेस वाले फोन्स मिल जाते हैं, P3 P4 P1 P2 सारे के सारे आपको कैटेगरीज एक ही छत के नीचे मिलने वाली है। जो रेगुलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भैया के साथ में जुड़े हुए उन सबको पता है, बट फिर भी आज मैं कोशिश करूंगा कि भैया से कुछ प्राइसिंग मैं निकाल पाऊँ और कौन सा स्टॉक कौन से कस्टमर के लिए बेहतर होने वाला है या किस तरह के स्टॉक से आपको स्टार्ट करने चाहिए जो नए बायर्स हैं, तो उनके लिए भी हम फोकस करेंगे आज के वीडियो में। प्लस जो स्टार्टिंग होने वाली है आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 900 से 1000 रुपए के मोबाइल फोन से आपको दिखाने वाला हूं, उनकी कंडीशन भी आपको दिखाऊंगा, खोल के भी आपको दिखाऊंगा एंड उसमें क्या क्या इशू या क्या क्या फॉल्ट आपको मिल सकते हैं कंपेयर्ड के फोन में या P4 के फोन में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, भैया से मिलते हैं और जानते हैं आज के आपके लिए बेस्ट होने वाला है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। एकदम बढ़िया अभिषेक भाई, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और साल खत्म होने से पहले एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके पास में अपने भाइयों के लिए कुछ लेकर के आज बड़ा शानदार स्टॉक दिखाने वाले हो, ऐसा कुछ होने वाला है अभिषेक भाई? आपका आना बनता था, साल की स्टार्टिंग आपसे की थी बिल्कुल, तो साल का जो अंत है वो भी आपके साथ ही करेंगे पूरा बिल्कुल। तो आज अगर फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है आपको, वैसे तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, एक बार कंपनी का नेम और एड्रेस कहाँ पे पड़ जाता भैया? अभिषेक भाई कंपनी होती है हमारी हाउस ऑफ डिवाइसेस के नाम से कंपनी होती है और नोएडा सेक्टर 63A127 ठीक है। तो और स्टॉक की ऑल ओवर बात करें हम, स्टॉक जनरली जो P1 से लेकर P4 तक का प्लस होलसेल का, होलसेल में 5000-10000 पीस किसे को कितने बेचिए वो सारी अवेलेबिलिटी रहती है जो कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज डिफरेंट क्या होने वाला भाइयों के लिए? अभिषेक भाई डिफरेंट ये है कि एक तो फिर अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि बीच में क्या था कि प्राइसिंग फ्लिपकार्ट की तरफ से काफी ऊपर चली गई थी, जो एवरेज वैल्यू लोड की होती है वो काफी ऊपर थी, फ्लिपकार्ट ने प्राइसेस फिर से काफी डाउन कर दी है, स्पेशली जो P4 ग्रेड आता है, जो पहले एक डी ग्रेड होता था right. जो P4 हो गया उसमें प्राइसिंग काफी इंप्रूव कर दी है और एक क्वालिटी जो पहले बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी वो क्वालिटी बहुत अच्छी बहुत बेटर पहले से आ रही है। तो एक यही हाईलाइट देना है कि जो भी होलसेल पार्टनर्स थे उनको यही बताना है कि अब रेट्स काफी इंप्रूव हो गए हैं VRP टू VRP में, और VRP में जब रेट इंप्रूव होते हैं जो होलसेल में हमारा आगे माल जाता है रिटेल में उसमें भी रेट ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएंगे right. पीछे सस्ता माल आता है तो आगे भी सस्ता माल ही निकलता है पूरा exactly. और क्वालिटी मतलब जो लोगों ने अब लिफ्टिंग चालू करी वो बता सकते हैं, देख सकते हैं, मार्केट का फीडबैक देख सकते हैं, हमने भी काफी लोड खोले हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है पहले से अब ठीक है। VRP अपने सामने यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी की सारी VRP हमने आपके लिए लगा रखी है। इसमें मिनिमम टू मैक्सिमम जो भी क्वांटिटी होगी, जैसे कि आप मैं कवर करना चाहूँ तो ये 64 पीसेस के, 63 पीसेस के, 60 पीसेस की, एंड इसके अलावा हमने आपको P1 PC P4 कैटेगरी जो भी है वो भी दिखाएंगे आई एम श्योर ठीक है। तो स्टार्ट अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर यहीं से करने वाले हैं। हाँ अभिषेक भाई, सबसे पहले जो हमेशा हमारी वीडियो के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट हमारा उन बिजनेस पार्टनर्स के लिए जिनको होलसेल में डील करना है, जिनको फ्लिपकार्ट की सील पैक बॉक्स एज इट इज चाहिए, जैसे माल आता है और वैसे ही जाएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, कुछ पार्टनर्स अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस तरह से फ्लिपकार्ट से माल आता है, स्टिकर लगा हुआ, उनकी सील लगी होती है यहाँ पे, इस सील के साथ में यहाँ पे हमारा एड्रेस प्रिंट होता है। ये देख सकते हैं कि हम लोग फ्लिपकार्ट के, हमने हर वीडियो में बताते हैं हम फ्लिपकार्ट के डायरेक्ट वेंडर हैं, इसी एड्रेस पे माल आता है। जिन भी पार्टनर्स की जो भी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है,
कुछ पार्टनर्स हैं जिनको 100 फोन चाहिए या 50 फोन के छोटे लोड चाहिए, कुछ पार्टनर्स हमसे काफी बड़े भी जुड़े हुए हैं जो महीने में 3 से 4 हजार पीस की लिफ्टिंग करते हैं, तो माल दोनों के लिए होने वाला है, 50 पीस वालों के लिए भी और 4 हजार पीस वालों के लिए भी पूरा। ठीक है, और साथ में अभी क्या है कि फ्लिपकार्ट से एक डिस्काउंट पॉलिसी काफी अच्छी मिली हुई है हम लोगों को, तो वही अगर हमको पीछे से बैकेंड से डिस्काउंट सपोर्ट मिली है फ्लिपकार्ट से, तो सेम डिस्काउंट हम लोग आगे भी पास ऑन कर देते हैं। वो डिस्काउंट क्या होता है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कौन आदमी किस लेवल पे लिफ्टिंग कर रहा है। 50 पीस वालों के लिए अलग स्लैब है और 1000 पीस वालों के लिए अलग स्लैब है। तो जिन भी पार्टनर्स को वीआरपी पे लेना है, हमेशा की तरह हम अपना गूगल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आपको एड्रेस दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आके माल ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी भी चाहिए, कोई भी होलसेलर कितना भी बड़ा, वो कितने भी पीस की वीआरपी ले सकता है, वो सारी की सारी यहाँ पे मिल जाने वाली है। इसमें भी सिर्फ भाई काफी पार्टनर्स है जो अदर स्टेट से आते हैं, जैसे कि आपको पता है एकदम नॉर्थ इंडिया में एकदम सर्दी का मौसम चालू हो चुका है, कोहरा जबरदस्त चल रहा है। बिल्कुल, तो जो पार्टनर्स दिल्ली अभी नहीं आ सकते, जिनको आने में 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, उनके लिए क्या है कि वीआरपी हम जो भी उनको चाहिए बॉक्सेस के बॉक्सेस कोरियर पे भेज देते हैं। ये देखिए मैं अभी दिखाऊं, जैसे कि अपना करीबन हमारा 120 पीस का एक लोड जा रहा है पार्टनर को, और ये माल जा रहा है हमारा वेस्टर्न यूपी में ही जा रहा है, मैं डिटेल हटा देता हूँ जैसे भी जा रहा है पूरा। ये तीनों डब्बे उनके पैक है, सारा सील पैक माल आया है, सील पैक माल एज इट इज जा रहे हैं, उनको हमने अपनी डिटेल शेयर कर दी है पूरी सारी, उन्होंने वीआरपी की लिस्ट देख के माल बुक किया हुआ है सारा हमसे पूरा। अच्छा, ये मतलब विजिट नहीं किया कस्टमर ने, ऑनलाइन ही डिलीवर करा रहे हैं। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमको वीआरपी की डिटेल्स पीछे से आती है, डाटा तो पूरा फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है, राइट, वो डाटा हमने एज इट इज अपने जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनको दे दिया। उन्होंने देखिए क्या होता है, कुछ को जैसे P1 P2 ज्यादा चाहिए, कुछ को P4 ज्यादा चाहिए, कुछ को बड़े मॉडल चाहिए, कुछ को छोटे मॉडल, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोट हम शेयर करते हैं, वो लोट के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट क्या बनती है वो डिटेल देखते हैं, और डिटेल देख के वो अपना लोट बुक कर देते हैं। ठीक है, अकाउंट डिटेल हमारी चली जाती है, वो पेमेंट कर देते हैं, सारा माल जीएसटी बिल पे जाता है, ईवी बिल बनके कोरियर से माल निकल जाता है। तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है उन लोगों के लिए कि जिनको दिल्ली आने में आने का भी खर्चा लगता है, फिर रहने का खर्चा लगता है, टाइम भी जाता है, तो वो माल कोरियर पे ले सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि क्वालिटी तो रेगुलर आप डील करते हो तो आपको पता ही होगी स्टॉक की किस तरह की क्वालिटी आपको मिल जाती है, प्लस बहुत ही एक फ्रेंडली सा इकोसिस्टम आपके लिए यहाँ पे बनाया गया है, एंड डिलीवरी भी अगर हम माने भी 3 to 4 days मैक्सिमम, वेरी टू पिन कोड। देखिए मैक्सिमम यही होता है कि 4 से 5 दिन का मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम होता है, डिलीवरी अदरवाइज 3 दिन में ही पहुंच जाती है, 5 दिन इसलिए कई बार क्या होता है कि पैकेट पिकअप होने में अगर यहाँ से लेट हो गया, ट्रांजिट में कहीं टाइम लग गया, या पिन कोड पे जो डिलीवरी वाले बंदे हैं उनमें टाइम लगेगा, क्योंकि कोरियर जाते हैं सर थर्ड पार्टी, राइट। हमारे अगर जो यहाँ की चीजें वो तो हम विद इन अ मिनट्स हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोरियर में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो उनकी डिपेंडेंसी हमारे पास रहती है सारी वो। ठीक है, तो डिलीवरी का ऑप्शन है होलसेलर भाइयों के लिए अलग से, पूरा के पूरा वीआरपी जितनी भी चाहिए आपको वो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बोले जो जिनको 5 पीसेस चाहिए, 10 पीसेस चाहिए, या फिर ग्रेडिंग वाला सिस्टम है, पी कैटेगरी के फोन्स हैं, अब उस पर चलेंगे। हाँ, अब ये होलसेल की को हम यहीं पे एंड करते हुए अब चलते हैं रिटेल काउंटर की तरफ। जो पार्टनर्स को बड़े लोट नहीं लेने, जिनको 5-5, 10-10 पीस छोटे छोटे लोट पे काम करना है, तो आज उसकी तरफ चलते हैं। और अभिषेक भाई उल्टी तरफ से चलते हैं, सस्ते फोन से दिखाते चलते हैं P4 की तरफ से। ठीक है, तो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं अपना P1, P2, P3 से, बट आज चलेंगे अपना नीचे से ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो P4 के सारे का सारा हमने लॉट रखा हुआ है, एंड कभी भी भैया इनके प्राइसिंग कवर नहीं करते हैं, तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा कुछ प्राइसिंग निकलवाने के लिए, क्योंकि आप लोग भी ऑलमोस्ट शायद सेम कंटेंट देख के थोड़ा सा आपको भी नया कुछ मिलना चाहिए, तो प्राइस कवर करने वाले हैं आज कुछ या नहीं? आज भी नहीं करोगे? चलिए आप आए तो आपकी बात एक मान लेते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि P4 क्या है बेसिकली। अच्छा, P4 से ज्यादा एक चीज जो जैसे वीआरपी जो आजकल अभी आ रही है फिलहाल, इसमें रेशो क्या निकल रहा है स्टॉक का अगर हम पूछे P4 का? अगर P4 की बात करें तो देखिए अभी क्या है कि पीछे आज से जब BBD सेल चली थी, BBD में P4 का जो रेशियो था वो आता था 70-80-85% तक आता, बट अभी क्योंकि अब माल डायरेक्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट से आना चालू हुआ है दोबारा से, तो P4 का जो क्राइटेरिया है फ्लिपकार्ट ने फिक्स किया हुई 55-60%। अच्छा, 60% तक P4 आ रहा है, लेकिन मैंने अभी जैसे बताया P4 के रेट इतने ड्रॉप कर दिए हैं फ्लिपकार्ट ने, लास्ट मंथ भी ड्रॉप किया था, इस मंथ भी करीबन 12% का रेट ड्रॉप किया है, तो उसी के कारण वो एवरेज बन जा रही है। अच्छा, अभी क्या वो 70-75% P4 ना देखे, देखिए फ्लिपकार्ट ने रेट कितना कम कर दिया P4 कैटेगरी में।
जैसे पहले हमारा फरवरी तक बीसीटी आता था ना, ऑलमोस्ट ये मान के चलते थे वो जो डी ग्रेड में P4 के फोन आते थे डैमेज वाले, उस तरह की बिल्कुल प्राइसिंग हो गई सारी अभी पूरा एकदम अभी। अच्छा, और क्वालिटी बहुत अच्छी कर रही है अभी। और P4 में तो अगर हम देखें तो शुरू से माल तो अच्छा निकल ही रहा है, प्राइस डाउन हो गई है, तो ये आप ही के लिए और बेहतर है। एंट्री टेल वाले भाई हैं उनके लिए तो ऑलमोस्ट डबल से तीन गुना मार्जिन आप कमा सकते हो अगर हम बात करें सिंगल पीस में भी। बाकी होलसेलर्स के लिए भी यहाँ पे अच्छा ऑप्शंस मिल जाने वाला है। तो ये सारे की सारी जो लाइन है भैया वहां तक P4 ही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा P4 का स्टॉक बिछा हुआ है। ऊपर भी जो आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं सारा पूरा P4 का मतलब सर, डी ग्रेड के जो फोन होते हैं डैमेज कैटेगरी के फोन, ये सारे वो फोन है डैमेज कैटेगरी के फोन सारे ये। अच्छा, स्टॉक की कोई शॉर्टेज मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, स्टॉक का तो कोई डाउट ही नहीं है, चाहे वो VIP सेल की बात करें हम, चाहे रिटेल काउंटर की बात करें। और P4 में स्टॉक इसलिए अच्छा क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक आ ही P4 में रहा है सारा भी। और कुछ हद तक आप मानिए फोल्डर भी ब्रेक जाते हैं। मैं अगर बात करूँ 10-15% तो आपका फोल्डर ब्रेक जाएगा, माना 60% देखिए P4 है, उसमें कुछ माल आपका ठीक भी हो सकता है, कुछ माल आपका माइनर रिपेयर पे निकल जाता है जिसमें मान के चले कि छोटा सा कैमरे का इशू है या फिर कुछ चार्जिंग जैक जो पत्ते होते हैं उसके इशू है, ग्लास के इसमें जो 100-200 रुपए में नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। बट डैमेज कैटेगरी में जब बात करते हैं तो नेटवर्क इश्यू हो सकता है। देखिए क्या, जब हम पॉसिबिलिटी है, जब हम कहते हैं होगा या हो सकता है, दोनों में बहुत अंतर है। राइट, जरूरी नहीं वो होगा बट हो सकता है। मान के चलिए मैं क्यों ही बताता हूँ डिटेल में, मानिए किसी फोन पे बैटरी का इशू, फोन स्विच ऑन नहीं हो रहा तो उसका नेटवर्क हम चेक नहीं कर सकते। Exactly. जब तक वो फोन पहले ऑन नहीं होगा बैटरी की वजह से तब तक नेटवर्क आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। और वैसे भी देखिए हम लोग एक तरफ से डिफाइन कर रहे हैं डैमेज कैटेगरी, रेट हमारा पूरा सस्ता है तो क्वालिटी भी हमें उसी हिसाब से लेकर चलनी पड़ेगी डैमेज कैटेगरी के हिसाब से। राइट, क्योंकि प्राइस आपको उतना सस्ता मिला, प्राइस उतना सस्ता मिला है। अगर मान के चलते हैं कि किसी फोन का नेटवर्क भी ठीक है, ग्लास भी ओके है, सब कुछ ओके है, तो फ्लिपकार्ट वाले उसको फिर डी कैटेगरी में क्यों डालेंगे? राइट, उसको तो फिर वो उनका जो भी क्राइटेरिया चाहे वो P1 है P2 है वहां पे डालेंगे ना, वो कुछ इश्यू है तभी उसको P4 में डाला हुआ है। बिल्कुल, कुछ फंक्शनल इश्यू होगा उसी के बिहाफ पे उसको, उसी के बिहाफ पे P4 में डाला गया है, ठीक है। तो चलेंगे कुछ मॉडल्स की तरफ में, कुछ मॉडल्स कवर करते हैं और आपका उनकी प्राइसिंग भी, जैसे कि मैंने बोला कि भैया से निकलवाऊंगा जरूर, तो कुछ निकालो भैया फोन की कंडीशन दिखाओ और उनकी प्राइसिंग। प्राइसिंग अभिषेक भाई मान के चलो डैमेज कैटेगरी के फोन अगर मैं बताऊं तो आपको 1200-1400 रुपए से स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ देख लेते हैं मॉडल, ये है अपना रेडमी का नोट 3S प्राइम, ठीक है, ये आपको पड़ जाएगा भैया 1700 रुपए में, रेडमी नोट 3S प्राइम, 3S प्राइम, ओके, हाँ। देखो ये है रेडमी का 5A, ये आपको पड़ जाएगा 1650 रुपए में। अच्छा, ठीक है, ओपन दिखा देता हूँ, ये लीजिए ओपन करके दिखा देते हैं, ठीक है। मेन चीज क्या होता है, कई जगह आपको बाहर की कंडीशन दिखाई जाती है कि ये देखिए P4 में P3 में ऐसा स्टॉक है। मेन चीज क्या होती है डी ग्रेड में या P4 में, मेन फिजिकल कंडीशन नहीं होती है, अंदर का फंक्शनल इशू। देखिए अब जैसे मैंने आप मेन होता है Redmi Note 3S Prime का 1700 में, देखिए इसकी बैटरी पूरी फुली हुई है, इसकी पूरी बैटरी ही कंप्लीट फुली हुई है, ये देखो आपको साइड से पता लग रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। अभी जैसे एक है आपका सैमसंग का गैलेक्सी J2, आप सोचिए कितने का फोन हो सकता है मात्र 1150 रुपए में। J2 के भी नॉर्मल प्राइस 2000 तक चले जाते हैं बट P4 में है इसलिए 1100 रुपए, तो वही वाली चीज आ गई कि जिस आपकी कंडीशन है पहले, उस आपके प्राइस है। पहले हो सकते हैं 2000 में हो, मैंने अभी जो बोला क्योंकि फ्लिपकार्ट ने रेट इतने डाउन कर दी है कि मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ 1150 रुपए में। अब ये फोन जो भी लेगा डैमेज में होगा, देखिए इसका वैसे तो फोल्डर टूटा हुआ दिख नहीं रहा है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ से उठा हुआ है कि बैटरी इसकी फुली हुई लग रही है अगेन, वो तो बैटरी चेंज करके, अब इसकी बैटरी 200, 250, 300 वो डिपेंड होता है किस क्वालिटी की बैटरी वो डीलर लेना चाह रहा है और उस पर काम करना चाह रहा है। अभी जैसे कि लिनोवो का K8 प्लस, आप सारे फोन खुलवा के मेरे देख रहे हो भैया डैमेज कैटेगरी के, ये आपको मिलने वाला है 1250 रुपए में। 1250 में हल्के फुल्के माइनर से डेंट है बैक बॉडी पे अगर हम बात करें, एंड इसमें बैटरी का भी मेरे हिसाब से कोई ऐसा इशू नहीं दिख रहा, डिस्प्ले भी ओके है, फोल्डर शायद कॉपी है इसमें बट अंदर मेन इशू तो खैर भैया ही। देखिए ऑल ओवर मैं आपको बात करके चलो भैया, देखिए आप ये मान के चलिए 15-25-30% तक कॉपी फोल्डर फ्लिपकार्ट में आते हैं, आते हैं वो। देखिए मैंने वही कह रहा हूँ कि रेट भी सस्ता है तो उसी हिसाब से उसकी क्वालिटी का जजमेंट है। ये रेडमी नोट 4 है, देखिए आप ये आपको मिल जाएगा रेडमी नोट 4 मेरे ख्याल में शायद 1700 रुपए में। 1700 में नोट 4, ओके
टूटा हुआ है शायद यहाँ से कुछ ही, ये ब्रेकेज है यहाँ पे इसका हाउसिंग का पूरा। तो बेसिकली देखिए रेंज वही रहने वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1200-1400 स्टार्ट है, 4-5 प्राइस कवर करे हमने। जिनको सस्ती रेंज चाहिए वो सारी सस्ती रेंज के फोन हमारे पास अवेलेबल है। और स्टॉक की मैं बात करूं, आप कोई भी डब्बा खोल के देख लीजिए, किसी भी डब्बे में आपको 20-25 से कम फोन नहीं दिखेंगे, ठीक है। सब ये डैमेज कैटेगरी के फोन है। एंड सस्ती से ज्यादा जरूरी है P4 या P3 का जो स्टॉक है, जो इस तरह का स्टॉक होता है वो उन लोगों के लिए होता है जनरली के जिनका रिपेयरिंग का सेटअप हो या रिपेयरिंग का बंदा उनके पास में हो। देखिए ये मैं चीज उनके लिए बता रहा हूँ भी है जो नए बायर्स हैं। देखिए मैं इसको फिर बार रिपीट करना चाहूंगा अभिषेक भाई, क्या होता है कि एक सस्ती रेंज देख के काफी होलसेलर जिनका रिपेयरिंग का सेटअप नहीं है, और स्पेशली कुछ पार्टनर जो आते हैं लेट से अदर स्टेट से जहाँ पे रिपेयरिंग का सामान मिलना भी थोड़ा टफ होता है, रिपेयरिंग के पार्ट, राइट, वो सस्ता देख के माल तो ले लेते हैं बट फिर बाद में कंप्लेंट आती है कि भैया हम इसको रिपेयर कैसे करें। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू उन अपने सभी पार्टनर्स को जिनका रिपेयरिंग का अच्छा सेटअप है, जहाँ पे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो, वो इस काम से ट्रिपल मार्जिन कमा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे लोकल दिल्ली के पार्टनर्स हैं, वेस्टर्न यूपी के पार्टनर्स हैं, सूरत में है, चेन्नई है, बेंगलोर है। देखिए जहां पे रिपेयरिंग का अच्छा सेटअप है, जो लोग अच्छे रिपेयर करते हैं वो ऐसे ट्रिपल मार्जिन कमाते हैं। लेकिन जो लोग रिपेयरिंग का आर भी नहीं जानते या फिर जो नया स्टार्ट कर रहे हैं मतलब वो इसमें ना पड़े कि फोन ले लिया और वो रिपेयर ना कर पाए तो उनका डबल नुकसान होगा। एग्जैक्टली, माल भी ले लिया और माल लेके उनका माल घर में लग गया फिर वो। Right. तो मेरा ये सजेशन है जो रिपेयरिंग कर सकते हैं P4 कैटेगरी में वही अच्छे से हाथ डालें, उसमें उनको डेफिनेटली ट्रिपल मार्जिन आने वाला है। राइट right. तो ये चीज आपने देखी कि आपको हमने कम प्राइस के भी फोन्स कवर करे, नॉट जस्ट टू इन्फ्लुएंस ओनली, कि आपको हम गाइडेंस भी दे रहे हैं कि हाँ भी ये स्टॉक है, ये इसमें इशू है, ये प्राइसिंग है, तो एक किस तरह के कस्टमर के लिए स्टॉक होने वाला है। तो ये चीज सारी चीजें आप ध्यान में रखें क्योंकि आपको प्राइस बताना है खाली। चलते चलते मेरे हाथ में एक फोन आ गया है, ओप्पो रेनो 4 प्रो। तो ऐसा नहीं कि छोटे मॉडल है, बड़े मॉडल भी देख किस कंडीशन का फोन है इसका। आई थिंक ये बैक पैनल ब्रेक है, उसके अलावा फोन मुझे ठीक लग रहा है पूरा सारा। ये कर्व डिस्प्ले में है, वाओ, 6.7 इंचेस स्क्रीन, पंच होल डिस्प्ले। हम बात करें कॉर्नर पे कैमरा और सिर्फ ओनली ये बैक डिस्प्ले का थोड़ा सा इशू है। प्राइसिंग तो आप भैया से पूछ सकते हो, प्राइसिंग सारी। हाँ ये भी P4 में है, ठीक है। प्राइसिंग तो अभिषेक भाई जिसको भी हम सारी कवर करके अपनी व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर देंगे जिसको भी चाहिए, ठीक है। और स्टॉक जिसको चाहिए वो अपना फोन पे बुक कर सकते हैं, लिस्ट डाल देंगे, लिस्ट के थ्रू स्टॉक अपना बुक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये P4 कैटेगरी है उन पार्टनर्स के लिए जिनको रिपेयरिंग में अच्छा काम आता है, जो रिपेयरिंग करना जानते हैं वो माल ले सकते हैं P4 का, ठीक है। और मैक्सिमम मार्जिन यहाँ से ले सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है भैया। नेक्स्ट P3, इसके बाद में हम आते हैं थोड़ा सा उससे स्लाइटली एक्सपेंसिव P3 कैटेगरी। ये सारे फोन P3 में है अभिषेक भाई, P3 में आपको कोई भी फोन टूटा हुआ नहीं मिलेगा। नेटवर्क की हमारे जो रिटेल काउंटर के फोन है, नेटवर्क की भी हमारी गारंटी है, नेटवर्क भी नहीं आपको ब्रेक मिलेगा, डेड की भी मेरी गारंटी है। अच्छा, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। अब इसके अलावा कुछ बचना बचाना तो सब छोटी मोटी चीजें हैं, फिजिकल कंडीशन सबके सामने लगी हुई है। एक चीज अभिषेक भाई जी, देखिए मैं ये भी एक बात बताऊं, फ्लिपकार्ट जो माल देता है जितने भी पार्टनर्स है उसके इंडिया में, जितने लोग भी लिफ्ट करते हैं डायरेक्ट, सर सबको माल एक जैसा आता है। ऐसा नहीं है फ्लिपकार्ट के लिए कि एक पार्टनर्स को उसने एक्सट्रीम सोना दे दिया और दूसरे को पूरा एकदम डाउनग्रेड ऑफ शादी दे दी। पॉइंट, फ्लिपकार्ट एक सिस्टमेटिक कंपनी है, जब वहां से माल डिस्पैच होता है इक्वल रेशियो में, चाहे वो P1 से P5 की ग्रेडिंग का रेशियो है, चाहे वो मॉडल वाइज रेशियो माना, जैसे Xiaomi का 35-40% माल आता है और लेट से वीवो का 12% का माल आता है, आईफोन 3% आते हैं, उसी मॉडल वाइज वो इक्वल रेशियो में माल आता है। तो मैं ये कहना चाहूँ कि जो ये P3 का माल है आप कहीं भी ट्राई कीजिए, माल आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ अलग नहीं कि हमको बहुत स्पेशल माल आ रहा है, दूसरे को बहुत डाउनग्रेड माल आ रहा है, या दूसरे को बहुत स्पेशल हमको बोटाउन है। फ्लिपकार्ट के लिए सारे पार्टनर एक जैसे हैं, सबको माल एक ही तरह से आएगा, स्टॉक सबके पास सेम मिलेगा। बट मेन चीज ये जाती है कि इसकी सोर्सिंग कितनी डायरेक्ट है, जिसकी सोर्सिंग जितनी डायरेक्ट होगी, जैसे कि भैया की हमारे जैसे कि भैया की है, तो उस तरह का ही प्राइस आपको पैस मिलने वाला है। स्टॉक सबका सेम है, बात है एक अभी से भाई क्लैरिटी की भी होती है। हम अपने व्यूवर्स को अपने हर वीडियो अपने हमारे से इतने वीडियो का बड़ा क्लियर गाइडेंस देकर चलते कि क्या चीज हो सकती है क्या चीज नहीं हो सकती है। Right. इधर उधर की मतलब कोई भी यू नो एक वे कमेंट करना कुछ भी देना वो अपना एक मोटिव नहीं है। पार्टनर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट कहां से हो वही चीज मेन कन्वे करनी होती है, ठीक है जी। तो P3 में भी कोई बंदा का स्टॉक हमसे यहां से लेगा हमारे रिटेल काउंटर से, तो उसमें डेड नेटवर्क और टूटे हुए फोन की तो मेरी गारंटी है, ठीक है भैया। तो नेक्स्ट किस पे चलेंगे अपन? नेक्स्ट सर हम चलते हैं अपना QC चेक फोन्स पे, ठीक है।
कुछ पार्टनर जिनका रिपेयरिंग वालों को तो हमने कवर कर लिया है, जिनका रिपेयरिंग का सेटअप नहीं है, और या जिनको बड़े मॉडल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो ये लेफ्ट हैंड पे नीचे की तरफ सारे P1 के फोन लगे हुए हैं, ये QC चेक फोन है P2 ग्रेड के सारे, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड पे मेरे फोन लगे हुए सारे। ओके, ये भी सारे P1 के? ये सब P2 के भी है, ये P2 के। अच्छा, P1 एंड P2, ठीक है जी। देखिए P1 और P2 दोनों में कोई खास वेरिएशन नहीं, बस अंतर इतना है जो P1 में एक पीछे से माल आता है वो कंपनी कहते हैं ब्रांड बॉक्स और चार्जर के साथ आता है। P2 में क्या होता है, कई बार ब्रांड बॉक्स चार्जर आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता। देखिए 100 में अगर एक दो फोन आ गया तो वो कोई मायने नहीं रखता है। और P1 P2 पर दोनों फोन ही ग्रेड में बहुत अच्छे होते हैं, ब्रांड न्यू टाइप कंडीशन होती है, फंक्शनल बिल्कुल वर्किंग होती है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। बस केवल हाँ यूज फोन के होते हैं जो हमारा बिजनेस है, ओल्ड फोन सारे, ठीक है। तो P1 और P2 उन पार्टनर्स के लिए है जिनको माल लेके एजिटी सेल करना है, जिनको माल ले गए काउंटर पे रखा और माल डे वन से सेल करना चालू कर दिया, इन फोनों पे उनको कुछ काम बाहर से कराने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो स्टॉक देख सकते हो, ये सारा का सारा, इसमें सारे ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं, चाहे हम बात कर ले पोको, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, वन प्लस के भी, एंड ऑब्वियसली आईफोन्स भी। आईफोन्स के भी कुछ पोर्शन अवेलेबल हो जाता है। आईफोन्स के भाई जो आपकी लास्ट वीडियो में दिखाया था वो स्टॉक ऑलमोस्ट कंप्लीट सोल्ड आउट है अभी, कुछ दो चार फोन बचे, क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ है, पोस्ट दिवाली जब से फ्लिपकार्ट के रेट्स डाउन हुए हैं और इस महीने तो और रेट डाउन कर दिए हैं, माल की मूवमेंट जो पहले थी अब वो मूवमेंट में अगर आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 2.5% बढ़ चुकी है। अच्छा। कस्टमर डिमांड जो है ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ चुकी है, ठीक है। माल इधर आ रहा है और आजकल तो ये होने लगे कि माल अब जैसे हमको लोट आता है हम लोट अपने डीलर को शेयर करते हैं, वो एडवांस बुकिंग में माल जाना चालू हो गया है। कोरियर्स की जो हम लोगों की सेल होती है वो मैं ऑलमोस्ट बताऊं अभी दैट इज समथिंग 3 गुना बढ़ चुकी है फिर दोबारा से, क्योंकि डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है अभी यूज फोन की। दिवाली के एक टाइम तक लोगों को होता है कि हाँ नए फोन का है, नए फोन पे बुकिंग करनी, डिस्काउंट ऑफर काफी आते हैं, बट अभी पोस्ट दिवाली पुराने फोन की डिमांड इमेंस एकदम अलग लेवल पे जा रही है, ठीक है। तो चारों कैटेगरीज हमने बता दी, होलसेल का हमने बता दिया, प्राइसिंग भी आज कवर कर दी, डिस्पैच आइटम्स जो थे वो भी दिखा दिए हमने, उनको एक लिस्ट या लिस्ट मिल जाएंगी, या फिर उनको अगर फोन पे बुक करना है वो हम टेलीकॉलिंग टीम के नंबर दे देंगे, वो फोन पे उनको हम बता देंगे कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है, एस्टिमेट उनको चला जाता है, एस्टिमेट में वो जो कोडिंग होती है जैसे ये WSN नंबर होते हैं, WSN नंबर चला जाता है, यही WSN नंबर के हिसाब से रेट आएगा, वो पेमेंट कर देगा, माल इसी नंबर से डिस्पैच हो जाएगा। okay. ये नहीं है कि एस्टिमेट कुछ और दे दे, माल कुछ और दे दे, नहीं। और माल जाने से पहले पूरा वीडियो शूट होता है, वो हम शेयर भी करते हैं पार्टनर के साथ में कि आपका इस ग्रेड का इस क्वालिटी का माल ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से अगर डिस्पैच भी जब कराते हो तो वो आपके पास में आपके घर तक पहुंचता है, वही प्रीपेड डिलीवरीज। हाँ वैसे भाई प्रीपेड डिलीवरी, क्योंकि देखिए कोरियर हमारी थर्ड पार्टी है तो हम उन पर रिलाई तो नहीं कर सकते हैं, तो वही है डिलीवरी से कराते ना। हाँ हमारे कोरियर पार्टनर डिलीवरी से कराते हैं क्योंकि इनका काम बहुत सिस्टमेटिक है, रिकॉर्डेड लाइन पे सारा मटेरियल जाता है। अभी तक हम एक साल से इनको फॉलो करते हैं, अभी तक हमको इशू नहीं आया। जो दूसरे पार्टनर्स है वो मतलब हम उन पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। अभिषेक भाई ये तो एक मैंने आपको सेटअप दिखाया है, नाउ जो हमारे व्यूवर्स की डिमांड होती है आते कहते कुछ डिस्काउंट परसेंटेज उनको चाहिए QC चेक माल पे या फिर P2 P3 में, तो अभी तक का जो हमारा डिस्काउंट है वो हमारा कंटिन्यू चला हुआ है डिस्काउंट। ये हमने सोचा फेस्टिवल ऑफर डिस्काउंट था, बट अभी क्योंकि क्रिसमस भी है, नया साल भी है, तो हमने कहा इस डिस्काउंट को कंटिन्यू करते हैं। वही अगेन जो भी पार्टनर 10 लाख का माल लेता है उसको 7% डिस्काउंट है, वैसे डिस्काउंट आपका 50,000 से स्टार्ट होता है, 50,000 पे आधा परसेंट है, 1 लाख पे 1%। साइमल्टेनियस आप देख सकते हैं 10 लाख के माल पे 7% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है, लेकिन ये डिस्काउंट अवेलेबल VRP पे नहीं है, ये हमारा जो रिटेल काउंटर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसको लोग VRP से मिक्स न करें, बिकॉज VRP का डिस्काउंट स्लैब अलग चलता है, वो क्वांटिटी के हिसाब से होता है, 1,000 पीस पे अलग है, 5,000 पे अलग है और 50 पीस पे अलग है, राइट। तो जिनको भी क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, एड ऑन डिस्काउंट चाहिए, कोरियर पे माल चाहिए, वो सब फैसिलिटी आपको अंडर वन रूफ मिल जाती है, हाउस ऑफ डिवाइस A127 सेक्टर 63 नोएडा में।
ठीक है जी, तो सारी डिटेल्स हमने कवर कर दिए हैं। नए साल से पहले धमाका लेकर आपके लिए आ चुके हैं, लास्ट में डिस्काउंट भी हमने आपको बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक आपको हमेशा की तरह अच्छा ही मिलने वाला है, प्राइसिंग आपको हमेशा से बेहतर मिलने वाली है। तो एक बार विजिट जरूर करें, जो भी स्टॉक, जिस भी तरह का स्टॉक, जितना भी स्टॉक आपको चाहिए वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। डिलीवरी करानी है तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाती है। एंड जाते जाते भैया आपको और आपके सभी कस्टमर्स को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, एंड जो देख रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में भी आपके लिए इसी तरह से हम वीडियोस लाते रहेंगे, भैया के पास में आते रहेंगे। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल एक्सप्लोरिंग ज्ञान। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक करके रखें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, जय हिंद।